तो कैसे हो मेरे भाई लोग। तो छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मैं हाजिर हो चुका हूँ। सो हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम रोहान मुजफ्फर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोन को वेबकैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यार, ये काफी लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये जैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, तो उसके लिए जो है ये बहुत फायदेमंद होगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो जितने भी सॉफ्टवेयर जो मैंने इसमें यूज़ किया है ना, वो एरन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो जितने भी आगे जो मैं समझाने लगा हूँ, वो उसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है हम कनेक्टिविटी जो है वो करेंगे, ठीक है। तो अगली जितने भी वीडियो में दिखाने लगा, वो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है डाउनलोड करनी है मोबाइल पे एरन सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यही चीज़ जो है कंप्यूटर में जाके डाउनलोड करनी है। उसके बाद ये आप मेरे स्टेप फॉलो करें, आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, तो सारा सॉफ्टवेयर ये वो चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जिस तरह मैं प्लगइन कर रहा हूँ वैसे प्लगइन करना है, तो आपके स्क्रीन पे जो है आराम से ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने OBS स्टूडियो में जाना है, प्लस के साइन पे क्लिक करना है, कैप्चर में जाना है, उसके बाद एरन सॉफ्टवेयर को चूज़ करना है, ओके करना है। उसके बाद कॉन्फिगर में एरन वेबकैम आएगा, उसको आपने जो है क्लिक करना है और ओके करना है। आपके OBS स्टूडियो में ये आराम से स्क्रीन आ जाएगी।